हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जिनका रैंक अच्छा नहीं आ रहा, जिनका रैंक 20K के ऊपर चला गया इस बार WBCI में, ठीक है। तो अगर आपका रैंक 20K के ऊपर आया है तो ये कॉलेज जो हम लेकर आए हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है आपके लिए, ठीक है। दैट इज आपका BBIT, बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ आपका एडमिशन हो सकता है, सीएससी मेन के साथ एडमिशन हो सकता है। अगर सीएससी मेन हो गया तो बाकी के ब्रांचेस तो हो ही जाएंगे जी, ठीक है। तो अगर आपको सीएससी मेन के अंदर एडमिशन चाहिए और आपका जो रैंक है वो 20K के ऊपर जा चुका है तो फिर ये आपके लिए वीडियो है, बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रिव्यू वीडियो है, ठीक है। पूरा रिव्यू करेंगे अपन, किन किन पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे उसकी बात मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक है। और उससे पहले जो अपडेट है वो अपडेट क्या है कि अगर आपका टॉप कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हो लेकिन आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और आप अफोर्ड कर सकते हो, डोनेशन फी अफोर्ड कर सकते हो, तो डायरेक्ट एडमिशन भी हम लोग करवाते हैं उन सभी कॉलेजेस के अंदर, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन कराते हैं। तो अगर आपको वो कराना है तो नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को जाकर आप फिल कर सकते हो जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो, BBIT का पूरा फुल रिव्यू करेंगे जी, ठीक है। तो ये है आपका BBIT का पूरा कॉलेज जो है, ये उसका कैंपस ये है आपका। अब बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट पे इस वीडियो पे बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोड ऑफ एडमिशन पे बात करेंगे कि किन मोड ऑफ एडमिशन, मतलब कैसे आप एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज के अंदर, ठीक है, क्या क्या आपके मोड होंगे एडमिशन लेने के। दूसरा कट ऑफ, WBCI के थ्रू जो कट ऑफ है, हालांकि जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है यहाँ, लेकिन इस वीडियो में बेसिकली मैं WBCI का कट ऑफ बताऊंगा। तीसरा लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रेवलिंग, अपन इस कॉलेज में जा कैसे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे, क्या इसका लोकेशन है, क्या एड्रेस है, वो चीजें भी बात करेंगे, ठीक है। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट के लिए फीस स्ट्रक्चर किसी कॉलेज का, ठीक है, कि 4 साल का फीस स्ट्रक्चर क्या है उस कॉलेज में, मुझे कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। पांचवा है हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक, और नंबर 6 है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत स्टूडेंट देखते हैं कि किसी कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, क्योंकि 4 साल उनको वहां रहना है, कैंपस लाइफ एंजॉय करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी कॉलेज का कैसा है, ठीक है। सातवां अगर बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इसी के लिए तो बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं जी, प्लेसमेंट के लिए, तो हर कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्लेसमेंट है, ठीक है। आठवां है आपका कोर्सेज ऑफर, कौन कौन से कोर्सेज इसमें बजबज में, बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होते हैं जी, ठीक है। और नंबर 10 पे प्रोज एंड कॉन्स, और फिर मैं रेटिंग भी कर दूंगा इसमें कि कौन कौन से पॉइंट में क्या रेटिंग है जी, ठीक है। और सबसे लास्ट पे अपन प्रोज और कॉन्स की बात कर देंगे इस कॉलेज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट दैट इज आपका मोड ऑफ एडमिशन। तो मोड ऑफ एडमिशन 3 है, पहला 80% सीट WBCI के थ्रू फिल होते हैं, 10% सीट आपके जेई मेन्स के थ्रू फिल होते हैं, 10% सीट आपके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां मिल जाएगा एक फॉर्म, ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसका फी है 0, ठीक है, कुछ भी पेमेंट नहीं करना आपको। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पे आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको BBIT में एडमिशन चाहिए, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका कट ऑफ नहीं भी क्लियर रहा, लेट से आपका रैंक 60,000 है, 50,000 है, आपका सीएससी मेन का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, ठीक, तो अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते और अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं है तो फिर आपको BBIT के अंडर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना जी, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज वाले होंगे वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, कट ऑफ नहीं भी क्लियर रहा WBCI का इस कॉलेज के लिए फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा जी, ये सीट बुकिंग हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की आपका, तो कट ऑफ फॉर BBIT की बात करें तो 33K, सीएससी मेन के लिए 33K, स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है नहीं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 38K। अच्छा सर, मेरा 33K से अगर ऊपर है, मेरा 50K रैंक है और आप बोल रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल के मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, आपका 33K से ऊपर भी रैंक है और अगर आप BBIT में पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करें ईसी की, तो ईसी का जो कट ऑफ है दैट इज आपका 52,000, ओके। और इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिकल का आपका 62,000 हो जाएगा, मैकेनिकल का आपका 63K में हो जाएगा और सिविल लास्टली 64K के अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सीएससी मेन चाहिए और 33K से ऊपर रैंक आ रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, लास्ट में मैं फिर से यही बात बोलूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट दैट इज लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एड्रेस आप पढ़ लेना, ठीक है। और फिर जाएंगे कैसे सर? बस से जा सकते हो आप, बस से, देखो धर्मतला, हर किसी को पता है धर्मतला बस स्टॉप कहाँ है, कोलकाता
स्टेशन के पास में, कोलकाता से 1 या 2 किलोमीटर दूर धर्मतला बस स्टॉप होगा, ठीक है। वहां से आपको बीबीआईटी के लिए बस मिल जाएगा, ठीक है। बस का नाम भी मैंने लिख दिया, 77A नोबेटा, ठीक है, SD30, ये सभी बस के नाम है जो बीबीआईटी जाते हैं, ठीक है। तो बस से आप जा सकते हो धर्मतला बस स्टॉप से, ठीक है, या फिर अगर आप ट्रेन से जाना चाहो तो सीलड़ा स्टेशन से आपको ट्रेन मिल जाएगा, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा बस बस के लिए, ठीक है। आफ्टर 1 आवर फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ट्रेन चलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ट्रेवलिंग में, ठीक है। तो लास्ट डेस्टिनेशन उस ट्रेन का बस बस ही होता है, वहां आप उतर के फिर वहां से ऑटो से जा सकते हो, ठीक है। तो ट्रेवलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैसे ट्रेवल करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। ये सभी कॉन्टेंट रेडी करने में यार बहुत मेहनत लगता है, आप सभी लोगों के लिए ही ये कंटेंट रेडी होता है, तो आप प्लीज लाइक जरूर करना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही फर्दर हम वीडियोज लाते रहेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और पेड काउंसलिंग भी चल रहा है तो आप उसके लिए भी गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर, ठीक है। फी स्ट्रक्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर फी कितना होगा, 4 साल में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बीटेक की बात करें तो 1.15 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, तो नियर अबाउट 4 साल का फी आपका 4 लाख के करीब में पड़ेगा। अगर 1.14 फर्स्ट लाख का है तो 4 लाख के करीब में नियर अबाउट, ठीक है। इसके अंदर पॉलिटेक्निक कोर्स भी होते हैं, इसका फर्स्ट ईयर का फी आप देख सकते हो, ठीक है। लेटरल पॉलिटेक्निक भी होता है, उसका भी आप फी देख सकते हो। एमबीए होता है जिसका 1.7 लाख है फर्स्ट ईयर का, एमटेक होता है जिसका 1.13 है, और बीटेक लेटरल जिसका 94,100 है जी, ठीक है। तो ये सभी फी स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की, तो पूरा डेटा आपके सामने हॉस्टल फैसिलिटी का मैंने लगा दिया। अगर आपको सिंगल बेडरूम चाहिए तो 3500 पर मंथ आपको लगेगा पर हेड, ठीक है, पर हेड। अगर आपको सिंगल बेड चाहिए तो, ठीक है, डबल बेड चाहिए तो 2200 रुपया पर मंथ लगेगा, 2200, ठीक है, पर हेड, और 13,200 पर सेमेस्टर, ठीक है। डबल बेडेड रूम विथ कॉमन बाथ चाहिए तो ये आप पढ़ सकते हो यार, ये आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना लगेगा, ठीक है, ये सब भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मेस चार्ज आपका 2700 पर मंथ लगता है, ठीक है। ये सभी रहने का, ऊपर जो मैंने बता रहा है 3500 पर मंथ जो सिंगल बेडेड रूम का, ये सिर्फ रहने का है, ठीक है। आपका मेस फी अलग से लगेगा, दैट इज आपका 2700 पर मंथ, आप यहाँ पे देख सकते हो जी, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप अच्छे से हॉस्टल फैसिलिटी देख लेना इसके अंदर, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्लासरूम इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्लासरूम अच्छे हैं, ठीक। अब आउटडोर गेम्स की बात करें तो क्रिकेट होता है यहाँ, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल्स होता है। इंडोर गेम्स की बात करें तो चेस, बैडमिंटन, कैरम और टेबल टेनिस होता है, ठीक है। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे बुक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके मतलब कोर्स के बहुत सारे बुक्स प्रेजेंट हो गए, लाइब्रेरी भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कैंपस के अंदर ही आपको कैफे, कैंटीन, कॉमन रूम, जिम और ऑडिटोरियम जैसी चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो कैंपस इज फुल्ली इक्विप्ड विद वाईफाई कनेक्शन, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन है, स्पीड उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वाईफाई है जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। जिन कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट होता है, आप उसको जाके स्टूडेंट्स के लिए वो दिया जाता है, आप उसको जाके यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कॉलेज का अगर काम करना है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट कुछ भी करना है तो उन सभी कंप्यूटर्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यही है आपका सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम जो कि बीबीआईटी के अंदर ऑफर किया जाता है, ठीक है। कैंपस साइज के अंदर बात करें तो कैंपस साइज आपका 20 एकड़ का मिल जाएगा। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं आपके आईएम, हेरिटेज, टेक्नो जो कि कोलकाता के अंदर है, वो 7-8 एकड़ का ही कैंपस है। बीबीआईटी कोलकाता के अंदर सबसे बड़ा है, 20 एकड़ का कैंपस है इसका, ठीक है। और ईएसटीटी की बात करें तो थोड़ा नया कॉलेज है, 2009 का, फिर भी 10 साल पुराना कॉलेज है, ठीक है। नैक ग्रेड की बात करें तो B+ है इसका नैक ग्रेड, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर वर्कशॉप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कारपेंटरी मिल जाएगा आपको, वेल्डिंग वर्कशॉप, फिटिंग वर्कशॉप, मशीन शॉप भी मिल जाएगा, तो ये सभी वर्कशॉप भी इसके अंदर होते हैं। लैब की बात करें तो फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और ग्राफिक्स लैब, हर प्रकार के लैब भी मिल जाएंगे आपको, लैंग्वेज लैब भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर लैब्स और वर्कशॉप सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ फोटोज सर दिखा दीजिए, कुछ फोटोज जिससे और क्लियर हो जाए। ये देखिए सभी लाइब्रेरी के फोटोज है, ठीक है, ये लाइब्रेरी के फोटोज है बेसिकली, ठीक। तो आप इसको देख सकते हो, ये सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम का फोटो है, ठीक है, जिसमें हर कंप्यूटर अवेलेबल होता है, इंटरनेट स्पीड काफी अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका बच्चा वेट कर रहा होता है, दैट इज सर प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप इस कॉलेज की बता दो हमें, तो 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं सीएस, आईटी और ईसी से, कोर ब्रांच से 40-50%। कोर का प्लेसमेंट बहुत खराब है इस कॉलेज का, पहले ही बता दे। अगर आपने कोर ब्रांचेस के साथ मन बनाया एडमिशन लेने के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप सीएस आईटी के लिए जाओ, कोर का देखो कटअप भी बहुत ज्यादा है यार,
आप 80% यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो तो सीएसआईटी तो ऐसे ही हम लोग दिलवा देंगे। ओके, डोनेशन फी जीरो है, ध्यान रहे डोनेशन फी जीरो है। अगर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म से अप्लाई करते हो डोनेशन फी आपका कुछ नहीं लगेगा, रैंक कटअप से क्रॉस भी है फिर भी हम लोग एडमिशन करा देंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करते हो तो बाद में डोनेशन लगेगा, ठीक। कंपनी की बात करें, अच्छा एवरेज सर कितना है, 2.4 लाख, ठीक है, 2.5 लाख के करीब में एवरेज है, लेकिन हाईएस्ट इस बार 20.35 चला गया, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस है, हालांकि ये ऑन कैंपस नहीं है, लेकिन फिर भी 20 लाख तक इसका हाईएस्ट पैकेज गया है, ठीक है। और कौन कौन से कंपनीज, तो एडोबी आप देख सकते हैं, कॉग्निजेंट, आईबीएम जैसी कंपनीज आ रही है, टीसीएस, वीवो, इन्फोसिस भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये सभी कंपनी है जो बीबीआईटी में विजिट करती है जी, ठीक है। कोर्सेज ऑफर्ड में मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बीटेक है आपका, एमटेक है, पॉलिटेक्निक है, एमबीए है और बीटेक लैटरल है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। अब अगर मैं आपको प्रोज और कॉन्स की बात बताऊं, ठीक, ओवरऑल कॉलेज कैसा है सर, ओवरऑल कॉलेज जिनके लिए अंडर, जिनका मतलब बहुत ही अच्छा रैंक नहीं आया है इस बार डब्ल्यूबीजे में, अच्छा रैंक नहीं आया है, डोनेशन एफोर्ड नहीं कर सकते उतना आईएम हेरिटेज और हल्दिया के लिए, फिर जा सकते हो इस कॉलेज में, फिर आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा है तब तो फिर आप जाओगे नहीं इस कॉलेज में, ठीक है। लेकिन जिनका रैंक अच्छा नहीं है, वो चाह रहे हैं सीएससी लेकर पढ़े, तो फिर आप इस कॉलेज में जा सकते हो जी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे जरूर फिल कर देना, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए टॉप के कॉलेज में या किसी भी वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म में फिल कर देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, फिर सारा चीज आपको एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोज की, तो कॉलेज कोलकाता में सबसे बड़ा प्रोज, सबसे बड़ा प्रोज की कॉलेज कोलकाता में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया वीडियो में, ठीक है। और कोडिंग यहाँ पे स्टडीज के लिए भी अच्छा ठीक ठाक माहौल मिल जाता है यहाँ पे आपको, ठीक है। और फीस की बात करें, तो आप बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जैसे डिफरेंट स्टेट, जैसे आप साउथ के साइड में चले जाओगे, दिल्ली साइड में चले जाओगे, तो वहाँ 7 लाख 8 लाख तक तो प्राइवेट कॉलेज का हो जाता है, लेकिन इसका 4 लाख के अराउंड में, ठीक है। तो फी रिलेटिवली कम है बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में, ठीक है। कॉन्स की बात करते हैं सर, इस कॉलेज की बुराई क्या है, इस कॉलेज की खराब बात क्या है। बेटर प्लेसमेंट आप देख ही रहे हो, 2.5 लाख का एवरेज है। बाकी अगर आप बात करें आईएम हेरिटेज टेक्नो हल्दिया की, तो इसका 4 से 4.5 है, ठीक है। तो प्लेसमेंट इस अकॉर्डिंग, आईएम हेरिटेज टेक्नो हल्दिया के अकॉर्डिंग उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। कोर ब्रांचेस का तो और भी खराब प्लेसमेंट है, ये कौन सा इसका, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेज उतना सही नहीं है मैं बोलूंगा, ठीक है, जितना आपका आईएम हेरिटेज टेक्नो और हल्दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आ रहा है डब्ल्यूबीजे में, और आप चाहते हो कि बीटेक करो 4 साल सीएससी के साथ करो, फिर आपके लिए कॉलेज बेस्ट है जी, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तीन चीजें मैंने आपको बताया इस वीडियो में, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना बीबीआईटी में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है, बिना कट ऑफ अगर क्लियर नहीं है फिर भी हो जाएगा। दूसरा क्या बताया मैंने, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वो भी हमारी टीम करवा रही है, उसके लिए भी गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा, पेड काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, पेड काउंसलिंग चल रहा है, गूगल फॉर्म जाके फिल करो, हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर जाकर आपको पेमेंट करना है, फॉर्म फिल करते टाइम आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा जी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल यानी कि 21 जून को 7:30 में मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग जरूर ज्वाइन होना उस सेशन में, और आपके जितने भी क्वेरीज हैं आप उन सभी क्वेरीज को जरूर पूछना जी हमसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।